सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। हमेशा अक्सर आप इस समय मुझे 6 बजे स्टूडियो में देखते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां का नाम लेते ही एक ऐसा नाम जहन में आता है जिसकी मजबूती, जिसका आधार, जिसका काम बोलता है, और वो नाम है रघुराज प्रताप सिंह का। नाम लेना ही काफी है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट, कुंडा जहन में आते ही रघुराज जी का नाम सबसे पहले आता है, और यहाँ के लोगों के लिए वो रघुराज प्रताप सिंह नहीं बल्कि प्यारे राजा भैया हैं। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपका प्रतापगढ़ में, प्रणाम। राजा भैया ही बोल के मैं पूरे शो को करूंगी क्योंकि आप जनता के प्रिय हैं। इस बार का जो चुनाव है आपके लिए बहुत विशेष हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में एक क्षत्रिय को योद्धा के रूप में उतरते हुए लोग देख रहे हैं, कितना बदला? नहीं, ऐसा नहीं है, क्षत्रिय जैसी कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव हर 5 साल पे होते हैं, और कुंडा में हमारा सौभाग्य है कि हर जाति वर्ग का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिलता है, और हमेशा से मिलता था। इकलौती ऐसी विधानसभा है कुंडा पूरे प्रदेश की कि 6 बार लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और सर्वाधिक मतों से जिताने का भी कीर्तिमान है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और दायित्व दोनों की बात है। सौभाग्य है कि हमको इतनी बढ़त से जिताते हैं, और हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, ताकि वो जो स्नेह प्रेम है वो बरकरार रहे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है क्योंकि 93 से लगातार आपको यहाँ की जनता का प्यार मिल रहा है। दायित्व के लिए होता है मजबूत आधार, और इस बार जो विपक्षी हैं, उन्होंने उसी आधार पर एक प्रहार करने की कोशिश की है। आपकी नजर में क्या चुनौती है इस बार? नहीं, दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। असल में मीडिया वालों को कुछ चाहिए हाइप करने के लिए, तो हम तो यही कहेंगे, हमने कभी किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, कभी किसी दल का नाम नहीं लिया, किसी की निंदा नहीं करी, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले, और मंच और माइक की भाषा और गरिमा का विशेष ध्यान दिया है। इसके पहले भी लोग लड़ चुके हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है और कोई चुनौती नहीं है। यहाँ चुनौती सिर्फ एक है कि पिछले बार के मार्जिन से अधिक की जीत हासिल करना। अब की बार डेढ़ लाख पार। हाँ, ये सम्मानित जनता का नारा, ये हमारा नारा नहीं है। वही लोग हर बार एक नया नारा देते हैं। पिछली बार 1 लाख पार कहा था, 1,04,000 से जिताया, और पिछला जो रिकॉर्ड है उसके आगे, उससे बढ़ करके जीत हासिल करना, ये इसी के लिए सब प्रयासरत है। और